मन रंग महाराज की, साम्रत सिंगा जी महाराज की, नर्मदा माई की, हाँ तो देखिए सभी समाज बंधु बाहर से पधारे संत महंत सभी को जय महाराज करते हुए आपके समक्ष सिंगाजी बाबा की जैसी भी टूटी फूटी वाणी सुनाने जा रहा हूँ, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो माफ कीजिए। सदगुरु महाराज की, कि राम नाम लेने से न सर्व पाप कटी, सूर्य के उदय होने से तो अंधकार मिटी, हरे राम नाम जिन लियो नहीं न करो रे हरि सा, बिना हरि नाम किया काया भाई हो न जैसो बंजरा, सदगुरु महाराज की, हरे समझी ले वो रे मना भाई, अंत न होय कोई अपना, समझी ले वो रे अंतन होय कोई अपना, बना समझी ले ओ रे मना भाई अंतन होय कोई अपना, अरे समझी ले ओ रे मना भाई अंतन होय कोई अपना, जितेन भैया ग्राम बैसावा की पावन भूमि का ऊपर ऐसी समाज की पंक्ति थी, और मनरंग बाबा भी उस पंक्ति में आमंत्रित था, और भी उसी समय का बीच में सिंघाजी बाबा राजा लक्ष्मी सिंह का यहाँ नौकरी कर, इनको काम तो हरसूद सी डाक भामगढ़ ले जानो, घर का लोग ने ना कहो कि भैया आप भामगढ़ जाइ राज, रास्ता में भैसावा करीन गांव छे, समाज को काम छे, आप जरा वहाँ भी चल जा जो। सिंघाजी बाबा जब वहाँ पहुँचे, आज मनरंग बाबा विचार कर कि यहाँ जो भी लोग छे ये तो विचार अपना ग्रस्त जीवन की चर्चा कर, भैया सोयाबीन न सब मरी गई, कपास भींजी रोज, इस प्रकार से मनरंग बाबा विचार करत कि अपन कहीं एकांत में जाई ना और भजन कर लेवा। मनरंग बाबा एक बड़ की छाए में बैठी ना और भजन कर, तो भजन कई कर कि समझी ले रे माना भाई अंतन होई कोई अपना, भैया
हमारो जन्म हुयो ये मानवतन की मात्र तीन पर्ची थी, वो भी दो तो विधाता ने लिखी और एक हमारा हस्य लिखी। पहली पर्ची लिखी हमारो जन्म कहाँ होगा, गरीब घर होगा कि अमीर घर, हम काला रहवांगा कि गोरा, छोटा रहवांगा कि बड़ा, ये एक परमात्मा की देना है। और आखिरी की पर्ची भी वो विधाता ने लिखी कि थारो मरण कैसो होगा, और बीच की पर्ची हमने खुद ने लिखी कि हमारा जीवन का सार्थक कैसो बनानो। आज सिंघा जी बाबा जब ये वाणी को सुनाए तो उस पावन भूमि का ऊपर इनक बैराग हुई गो, तो वाणी कही कह कि आप निरंजन निर्गुणा सिर गुण टटी ठाणा, आप निरंजन निर्गुणा अरे सिर गुण टटी ठाणा, आप निरंजन निर्गुणा अरे सिर गुण टिठाना, यही रे माया के पन में ओ सिर गुण टिठाना, यही रे माया का पन में नरयन भूला भैया, हमने समझी लियो कि समझी लियो रे मना भाई अंत न हो कोई अपना। आज माता राम चलेगा तो कही की कहीं साथ मने लेगा, मगर भजन कच की भैया अरे ये आत्मा को आज तक न अंत हुयो और न को अंत होना को, न कोई मारी सकतो और न कभैया कोई से मरी। तो कही कि आप निरंजन निर्गुणा, ये निर्गुण और सिरगुण संसार का अंदर हमारा संत ने निर्गुण में भक्ति करी, आप निरंजन निर्गुणा सिरगुण टटी ठाणा, ये काया जो सिरगुण की छे और एक जब निर्गुण में उतारज तो कही कि आप निरंजन निर्गुणा सिरगुण टटी ठाणा, मगर हम निर्गुण में उतरना तो भूलेगा और माया का चक्कर में पड़ेगा, तो यही रे माया का बंध में नर यही न भुलाना हरे कोट कठिन गढ़ चढ़ना अरे दूर है रे पैयाला कोट कठिन गढ़ चढ़ना अरे दूर है रे पैयाला कोट कठिन गढ़ चढ़ना अरे दूर है रे
समझी ले ओरे मना भाई अंतन होए कोई अपना भैया ये थोड़ी सी जिंदगी का हमने काई समझी ली। हर आदमी जाना जो कि जन्म हुयो एक दिन मरण जरूर होगा और एको जन्म सोमवार का दिन जन्म हुयो मंगलवार का दिन स्कूल गयो बुधवार का दिन शादीशुदा हुई गुरुवार का दिन बच्चा होने लग्या शुक्रवार का दिन माया का चक्कर में पड़ी गो शनिवार का दिन इस संसार की दुविधा में पड़ी गो और इतवार का दिन मौत को निमंत्रण आई गो। मगर आठ दिन हमको मालूम छे कि सोमवार जन्म हुयो ज तो दूसरो सोमवार नहीं आना को। पर भैया हमारा संत काज की कोट कठिन गढ़ चढ़ना दूर है रे पियाला भैया तारा अंदर घड़ियाल बाजीरा 24 घंटा अरे दूर देश को जाना आंतन आज संत कच की भव सागर का तीरना किस विध पार उतरना भैया ये काया रूपी नाव तो बनेल छे मगर ये मन रूपी केवट अगर सही नाव ले जाए तो कही की भव सागर का तीरना किस विध पार उतरना नाव बनी पर केवट नहीं। सिंघाजी बाबा जब गुरु मनरंग की बाणी को सुनाए बैराग हुई गो चरण में गिरीगा कि दादा अरे आप आज तक जोगी जतक मन बहुत ही सेया पर आपका मुंह से जो शब्द सुनी रोज ऐसा शब्द कोई न निकाया। हे गुरु महाराज मन मारो इतनो जीवन व्यर्थ ही गमाई दियो आज तक कुम्हारो जीवन सार्थक नहीं हुयो आपकी अगर कृपा हुई जाए हाँ मान्य वरदान था हमारे अंबालाल जी बंजारी इन मान भाव की ओर से 20 रुपए हीरालाल जी तुर्किया 20 रुपए बुद्धू जी बंजारी 20 रुपए आसाराम जी बंजारी मागीलाल जी तुर्किया इनकी ओर से 20 रुपए अवसीलाल जी गोपाल मामा चार खेड़ा इनकी ओर से 50 रुपए की राशि भक्तिदान पर सो प्रेम भेंट होते हैं। भगवान सभी दानदाताओं की मन की मनोकामना पूर्ण करे और एक ज्ञान एक लौटाए। शिव नारायण जी दाबड़ी के निवासी इनकी ओर से भी 10 रुपए की राशि भक्तिदान पर सो प्रेम भेंट होते हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं की मन की मनोकामना पूर्ण करे और एक ज्ञान एक लौटाए। और मान्यवर दानदाता हमारे गेंदु जी दाबड़ी के निवासी इनकी ओर से भी 10 रुपए की राशि भक्ति दान पर सो प्रेम भेंट होते हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं की मन की मनोकामना पूर्ण करे और एक ज्ञान एक लौटाए। सदगुरु महाराज की भैया आज मन रंग बाबा सिंघाजी महाराज के नजर उठे ने देखा इनका तो 5 ही हथियार कसेल सिपाही की ड्रेस लगेल। मन रंग महाराज पूछे कि भैया आप कौच की मख गुरु दीक्षा दे दो मगर आपका ऊपर तो 5 ही हथियार कसेल छे तुम तो करो नौकरी पैसा अरे तुम ख कसो लगो देसा। सिंघाजी बाबा कज कि दादा हूं या नौकरी को त्याग कर दूंगा। बात आगे बढ़ जे मनरंग बाबा का क्या आप कौन समाज में सीछे आपका माता पिता को परिचय दो। सिंघाजी बाबा कज कि दादा पिता का रूप में हमारा
भीमा जी माता का रूप में गौर भाई और आपका जो कि आप कौन समाज में सी छे तो गौड़ई समाज में मारो जन्म हुयो। जैसी जी गौड़ई समाज को मनरंग बाबा ने नाम सुनियो जैसो आदमी के बिच्छू डंक मारा ऐसो महाराज कटाला कटाला खड़ा भईगा और कज कि भैया हम आपका गुरु दीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? जात का गौड़ई मन का महिला और बाल भी छोरत डालत हिला। आप लोग बसी कभी जंगल में जनन पाइडी लाव खांदा पर पटकिन ले आव और बोधो ले आव ओखा पाए बांधी ना। आप एक तो बाल बिछड़ा करज और बाल हत्या भी करज। आ सिंघा जी बाबा के ये शब्द कलिजा का पार निकलेगा। हाथ जोड़ी ने कोमल वाणी सिकज की दादा ये हमारी समाज में कोई आड़ा बूढ़ा लोग ने करे होगा हूँ कि नहीं कही तो मगर ये शरीर से आज तक जरासी भी कोई जीव हिंसा नहीं हुई। और फिर आप कज अरे वो कई पागल था कि हम घर कृष्ण ने लियो उतारा सो नहीं जाने तो मुंड गवारा कई स्वयं कृष्ण भगवान पागल तो जो हमारा यादव ने जन्म ले लियो। मनरंग बाबा कच क्या हूँ एक एक कौरियो मख दस सुनाव आज सिंघा जी बाबा उसी वक्त गुरु महाराज का सामना यू निर्णय ले सदगुरु महाराज की गुरु से वही मिलेगा रे जिनका हर दम दिल दरिया गुरु से वही मिलेगा रे जिनका हर दम दिल दरिया वही मिलेगा रे जिनका हर दम दिल दरिया ओ जिनका हर दम दिल दरिया गुरु से वही मिलेगा रे जिनका हर दम दिल दरिया गुरु महाराज आपने जो शब्द कहा एक हो मकबूरो नहीं लगे मगर आपको कहना भी अति उत्तम कि गुरु से वही मिलेगा जिनका हर दम दिल दरियाओ और कज सदगुरु महाराज की हा मान्यवर दानदाता जगन्नाथ जी माता राम के भाई साहब इन महानुभाव की ओर से और एक के अनेक लौटा सदगुरु
और मान्य वरदान दाता हमारे जितेन भैया भजन गायक, इन महानुभाव की ओर से भी 20 रुपये की राशि भक्ति दान पर सुप्रेम में डोते हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं की मन की मनोकामना पूर्ण करे और एक क्या एक लौटा सदगुरु जितेन भैया आज सिंगा जी बाबा काज की है गुरु महाराज। अरे काम क्रोधी वोर लाल चीन सभगति हो काम क्रोधी वोर लाल चीन सभगति हो भक्ति करेगा कोई सूर मार वो भक्ति करे कोई सूर मार अरे जकी धड़ पर शीशा नहीं हो गुरु से वही मिलेगा रे जिनका रदम दिल दरिया दम दिल दरिया गुरु से कोई मिले करे जिनका हर दम दिल दरिया या आज बाबा कच की कामी क्रोधी और लालची इनमा को मख मत समझो। अरे भक्ति करेगा कोई सूरमा वो जिनकी धड़ पर शीश नहीं होए गुरु से और मान्य वरदान दाता राधे श्याम जी भामर की निवासी इनकी ओर से 50 रुपये की राशि। गबाजी पुनासा के निवासी इनकी ओर से 20 रुपये की राशि भक्ति दान पर सुप्रीम भेंट होते हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं की मन की मनोकामना पूर्ण करे और एक क्या अनेक लौटाए सदगुरु महाराज। तो बहिता जल तो गजला न रोक्या सिगंदो रे बहिता जल तो निरमला न रोक्या सिगंदला हो रे तो रमता जोगी साधु संत तो रमता जोगी अरे वो भैया पकड़ वो पार गुरु सी वही डरे घरे जिनका रदम दिल दरिया वही मिलेगा रे जिनका हर दम दिल दरिया
सिंघाजी बाबा कज कि बहता जल तो निर्मला पर रोक्या सी गंदला होय। साधु संत तो रमता जोगी जिनकी भैया पकड़ पार होए गुरु से। हाँ मान्य वरदान दाता राजू भैया हलवई जलवान के निवासी हैं। इन मान बहु की ओर से भक्ति दान पर 20 रुपए की राशि सुप्रीम मेट होते हैं। भगवान ऐसे दान दाताओं की मन की मनोकामना पूर्ण करे और एक क्या अनेक लौटाए। सदगुरु महाराज भैया आज सिंघा जी बाबा गुरु महाराज सिकज की गुरु महाराज ये माया का संग मन बहुत दुख पायो और आज आपने एक शब्द ऐसो कहो कि मारा हृदय के अंदर ये आपका शब्द पार होगा और नहीं तो ये मानव जीवन कैसो माया में खराब हुईगो। सदगुरु महाराज की आज सिंघाजी बाबा के गुरु महाराज का शब्द कलिजा के अंदर लगेगा और गुरु दीक्षा लेना का लेन सिंघाजी बाबा कैसी तैयारी करज जैसो एक छोरा को ब्याह निकलज और वो दुल्लो बनना की तैयारी करज ऐसा आज सिंघाजी बाबा कि दुल्लो बन्यो रे निर्वाण सिंघाजी बेवा दुल्लो बन्यो निर्वाण भाई बंद और कुटुंब कबीलो ये राजा की नौकरी कभी छोड़ दूंगा और दुल्ला की तरह तैयार हुईगा। निर्गुण का संग जिन्न करी सगाई अर ब्याही ते सतवंती नार चार काम को मंडप बनायो बनायो
ते नांगर बेली जान सिंगा जी बाबा दूलो बण्यो नीरवा अरे ऊपर चाई नांगर बेली जान सिंगा जी देवा दूलो बण्यो नीरवा ये मानव तन के अंदर काम क्रोध मद अहंकार लोभ चार कंब को जिन मंडप बनायो और देव पर छाई रे उन चान दुल्लो बन्यो रे निर्वाण जवारी मा बटी जवारा से जुड़ायो जवारी मा बटो जवारा से जुड़ायो राजी जुड़ायो जवारा से जुड़ायो दाई जोरे भये कुंट माय सिंगा जी देव दूलो बण्यो नीरवाण अरे दाई जोरे भये कुंट माय सिंगा जी बाबा दूलो बण्यो नीरवाण देव दूलो बण्यो नीरवा बिया उसी वक्त चौरी में बैठी ना